तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, एक नए व्लॉग के साथ। पिछली वीडियो में हमने इसी जगह का एडवेंचर अधूरा छोड़ा था क्योंकि मामू ने कहा कि हमारा ट्रिप कैंसिल हो गया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या मतलब, फॉर्चुनेटली अल्लाह के हुक्म से ट्रिप दोबारा से हमारा ओके हो गया है। तो मामू ने कहा कि जाओ आप अपना एडवेंचर दोबारा शुरू करो। तो जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कालाम मदहन और मालम जबा टाइप की जगह नहीं है, यहाँ पे अपनी मदद आप हैं। ये जो डंडा है ना, ये डंडे को आपने अपने साथ रखना। और ये क्योंकि ये इस जगह पे इंसानों का आमदोरफ़ तो है नहीं, इसलिए कुछ भी हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरे व्लॉगर की तरह नहीं कि जो आके मतलब जहाँ इंसानों का आमदोरफ़ हो वहाँ पर व्लॉगिंग करें। मैं जिस जगह पर व्लॉग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे एडवेंचर ही एडवेंचर है, क्योंकि ये किसी ने एक्सप्लोर नहीं की है ये जगह, और इस जगहों में कोई आया भी नहीं है इससे पहले। तो ये नेचुरल जगह है, यहाँ वैसे भी हर बंदा डरता है क्योंकि यहाँ कोई होता ही नहीं है। अब हम तो किसी वजह से यहाँ पे आए हैं, इसलिए हम जो है यहाँ का एडवेंचर कर रहे हैं। तो घूमते घूमते और थकते थकते जो है हम आए हैं मिनरल वाटर के पास। तो ये हमारी नबी की सुन्नत भी है और जो है ये हदीस भी है, ये पानी जो है ये साफ भी है, मिनरल भी है, ये एक्वाफीना भी है, ये 100 times प्योर है। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको ऐसी जगह पे पानी मिल रहा है तो सोचो अल्लाह कितना कुदरत वाला है, कितना कुदरत वाला है मेरा मालिक। तो चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, मेरी वो जगह थोड़ी अधूरी रह गई थी। मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ जाके देखें कि कुछ हमें नई नई कुछ चीज़ें मिलती है या नहीं। अब ये जंगलात और ये पहाड़ तो आप देख रही होंगे और सूरज भी आप देख रहे होंगे किस तरीके से ज़मीन के ऊपर उतरा हुआ है। हो चलते चलते हम लोग यहाँ जो हैं आगे पहुँच चुके हैं, और अगर आप ये पहाड़ को देखें ना तो सूरज तो इसके सर पे ही है, लेकिन यहाँ जो पौधे लगे हुए हैं ना, अगर मैं अभी इसकी इंटरनेट पे गूगल पे वेरिफिकेशन करूँ तो आप यकीन करें ये बहुत से बेनिफिट होंगे इसके पौधों के, यकीन करें लाखों बेनिफिट होंगे। अगर किसी अंग्रेज़ को पता चल गया ना तो वहाँ पे यहाँ पे आके प्लांट लगा देगा साला अपना। तो ये जो है अल्लाह के हुक्म से, अब ये देखें ये चलने फिरने का रास्ता तो है नहीं, लेकिन ये अपनी मदद आप हैं। ये हमने जो है वो क्रॉस की है, ये और ये। तो मेरे दोस्तों चलते हैं हम लोग। अच्छा ये है थोड़ा सा ढलान वाला पानी, मतलब यानी कि ठहरा हुआ पानी। देखें ये खूबसूरत पानी, चेक करें। अगर यहाँ पे हम नहाना शुरू कर देना, आय हाय 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 मज़ा ही कुछ और है भाई। देखें अंदर छोटी छोटी मछलियाँ भी है भाई, अगर आप लोगों को दिख रहा हूँ तो ये पानी कहाँ से आ रहा है इसका आज तक किसी को पता नहीं सिवाय अल्लाह के। और ये पहाड़ देखें और ये नीचे झील देखें, आपको मज़ा ना आए तो पैसे वापस। चले आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ और भी भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने को। इस मक्खी को मैंने 2 बार भगाया था ना, ये जा नहीं रही यहाँ से। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच ठंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा। ओ बागों में फिर उड़ जा भाई। अबे क्या हुआ कैमरे को, अरे जूम कर रहा है नीचे, भाग ये फिर आगे देख, भाग ये फिर आगे देखो, अबे भाग, अब गायब हो गई। अरे कि यहाँ आ गई, ये देख देखते इसको प्यार हो गया हमसे। ये ठहरे हुए पानी में मछलियाँ जो हैं वो बड़ी बिनबिनाते हुए घूम रही हैं। खैर मछलियाँ तो नहीं बिन बिन आती, लेकिन ये कि बड़ा ज़बरदस्त, देखिए अगर आपको नज़र आ रहा है ना,
देखें कितना कुदरत है, ज़बरदस्त। अगर मैं नीचे की तरफ हो जाता हूँ और डंडी मारता हूँ तो देखें दोस्तों, मछलियाँ आपको दिख रही होंगी, जगह आपको दिख रही होंगी, कहीं ऐसा ना लगे आपको कि स्विमिंग पूल है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा मैं डंडी मार के दिखाता हूँ आपकी मछलियाँ कहाँ जा रही हैं। ये अनिदिया बच्चिया भाग गई साली, भागो मत, वापस आओ वापस आओ वापस आओ। देखो ये ढीठ की बच्ची हैं, भाग नहीं रही, थोड़ी थोड़ी जगह चेंज कर रही हैं, जगह चेंज कर रही हैं, जगह चेंज कर रही हैं। आ जाओ माँ के लाड लो, आ जाओ इधर, आ जाओ माँ के लाड लो, इधर आ जाओ माँ के लाड लो, इधर आ जाओ। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आज इसी पोर्शन में आई थिंक ये जगह ठंडी है, क्या है यहाँ पे सारी आके जमा हो रही हैं, लेकिन ये है कि जा नहीं रही। अब मछलियाँ देखने के बाद हम वहाँ से ऐसे आ रहे थे तो जैसे हम इस तरफ पहुँचे तो यहाँ रास्ता बंद है। अब मैंने सोचा कि थोड़ा हम आगे की तरफ और जाएंगे, लेकिन जाने का रास्ता इसलिए नहीं क्योंकि पानी है सारा। देखें ये पानी ऐसे होते 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 ऐसे जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग, मैं सोच रहा था मैं उस तरफ जाऊं, लेकिन कैसे जाऊं, क्या तरीका होगा वही सोचता हूं। अगर जा सका तो मैं आपको मज़ीद दिखाता हूं आगे की और क्या आगे क्या है। ये लोगों ने यहां पे देखें, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये दीवार बनाए। इस दीवार बनाने की वजह यह है कि जब भी सैलाबी रेला आता है, यानी कि जब बारिश होती है इन जगहों में, ये डंडा मैंने इसलिए रखा हुआ है ताकि आप लोगों को ये चीज़ें भी दिखा सकूं। मतलब इन जगहों में अगर बारिश हो सके तो ये जो पानी है ये इस तरीके से यहाँ से होते हुए निकलता है, तो इसका प्रेशर इतना होता है कि ये सारे जो खेत में फसल होती है सबको उड़ाते हुए निकलता है। तो इस एरिया में तो चलो फसलें नहीं हैं तो ये तो कोई मसला ही नहीं, लेकिन इस एरिया में जो फसलें हैं वो इस पत्थरों की वजह से बच जाती हैं। तो ये भी एक टेक्निक है, इन लोगों ने अपने आप को सेफ रखा हुआ है यहाँ पे। अब चलते चलते मुझे एक चीज़ दिखी है और वो ये है, अगर आप इसे देखें तो ये क्या है, ये है आग लगाने का एक चूल्हा टाइप का बनाया है इन्होंने। तो सोचिए इस एरिया में कोई इंसान का बच्चा तो रहता नहीं है, ना ही यहाँ कोई घर है, और चूल्हा हमेशा रात में ही जलाया जाता है, दोपहर में तो यहाँ कोई आया नहीं होगा, तो रात में यहाँ किसने ये चूल्हा जलाया है, ये एक बड़ा संजीदा पेचीदा और गमगीदा सवाल है मेरा। तो दोस्तों आपको उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको एक ख़ास बात ये बतानी है कि मेरे नज़दीक जो है वो व्लॉग एक्चुअली इसे ही कहते हैं, और इस तरह की एडवेंचर दिखाना और इस तरह के एडवेंचर करना, ठीक है। और जो कुछ लोग जो अपनी फैमिलीज़ को व्लॉग्स में दिखाते हैं वो ज़्यादा जल्दी प्रमोट होते हैं और ज़्यादा जल्दी सब्सक्राइबर उसके बढ़ते हैं, व्यूअरशिप बढ़ती है उनकी, क्योंकि वो अपनी फैमिली, अपनी बीवी, अपने बच्चों को तो कम, लेकिन अपनी बहन को, अपनी माँ को व्लॉग्स के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। और जो लोग उनको देखने के लिए जाते हैं उनका अपना ही एक मकसद होता है, वो उसके व्लॉग्स को देखने के लिए खुश नहीं होते हैं, एक्चुअली वो उसकी फैमिली को देखने के लिए खुश होते हैं। तो ये हर बंदे के अंदर की हवस है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो बेहतर ये है कि आखिरत के लिए भी इंसान ने कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि दुनिया में तो देखो रहना नहीं है हमेशा के लिए, अल्लाह ने कहा है कि आपको आखिरत में भी मेरा सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश ऐसा करें कि अल्लाह का सामना करना पड़े, वरना आपको जो है ना बैक एंड पे ही जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो बेहतर यही है कि फैमिलीज़ को देखना, दूसरों की व्लॉग्स में एंजॉय करना, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन सब्सक्राइबर उनके हो जाते हैं, तो हमारे जैसे इन जो ये तरह के मकामात दिखाते हैं जो अपनी फैमिलीज़ को ऐड नहीं करते हैं, ठीक है, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को, ठीक है, तो उन लोगों को आप लोग ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इस तरह के वीडियोज़ को जो है वो बहुत कम देखते हैं, क्योंकि इसमें कोई ग्लैमर्स आपको नहीं मिलता। तो बहरहाल हमारी तो यही आपके लिए जस्तुजू होगी कि हम आपको इस तरह की वीडियोस हमेशा दिखा सकें और आपको इसी तरीके की एडवेंचर दिखा सकें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, ताकि हम आपको इसी तरीके का कोई अच्छा कॉन्टेंट दिखा सकें। शुक्रिया।